हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिसिन गुरु। आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं एरिस्टोजैम सिरप का। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सिरप के क्या यूज़, क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या डोज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या प्रिकॉशन है और दोस्तों इसकी क्या MRP है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन से रिलेटेड सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे इस चैनल मेडिसिन गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो दोस्तों आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसकी हम पैकेजिंग पर आते हैं तो दोस्तों इसकी प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको 200 ml की सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे 113 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों अब हम आते हैं इसके कंपोजिशन की तरह। दोस्तों इसमें डायस्टेज जो कि 50 mg है और पेप्सिन दोस्तों इसमें जो कि 10 mg है, आप यहाँ देख सकते हो जो कि लिखा हुआ है। अब हम दोस्तों इसकी कंपनी की तरफ आते हैं तो दोस्तों इसको एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया है जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। अब हम आते हैं दोस्तों इसके यूज़ की तरफ। इस सिरप का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है? दोस्तों एरिस्टोजैम सिरप जो कि पेट से रिलेटेड संबंधित बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यह पाइनएप्पल फ्लेवर होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। अब हम आते हैं इसके यूज़ की तरफ। दोस्तों आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज को दूर करता है, बदहजमी गैस को दूर करता है, भूख को बढ़ाता है, खाना को दोस्तों ये पचाता है और वजन को बढ़ाता है और पेट से संबंधित सभी समस्या को दोस्तों ये सिरप दूर करता है। तो दोस्तों मैंने ये आपके यूज़ बता दिए हैं। और दोस्तों इस सिरप के लेने के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको मतली आ सकते हैं, चकत्ते हो सकते हैं आपके स्किन पे, पेट में दर्द हो सकता है और दोस्तों सिर में दर्द हो सकता है। दोस्तों ये आपके निम्न साइड इफ़ेक्ट हैं। और दोस्तों इसके किस मरीज़ को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? दोस्तों एलर्जी से संबंधित जिन मरीजों को दोस्तों एलर्जी की बीमारी है, पैनक्रियास में सूजन है, स्तनपान करने वाली महिला, गर्भावस्था में जो महिला है, इस सिरप का यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर कर ले, जरूर लेना चाहिए। दोस्तों अब हम आते हैं इसके दोस्तों डोज की तरफ। दोस्तों जो बड़े बच्चे हैं, 15 से ऊपर के बच्चे जो कि 2-2 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं, और जो छोटे बच्चे होंगे जैसे कि 6 से 12 साल के बच्चे जो कि 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल मेडिसिन गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।